हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन एज एक्सपेक्टेड नीचे डिप गया एंड वापस से रिबाउंस करता हुआ हमें दिखाया। एंड इसका जो इंपैक्ट है वो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी पड़ा। जैसा मैंने आपको कहा था कल के टीवी वीडियो में कि अभी जो है फिलहाल अगला 2 या 3 दिन जो है जब तक गोल्डन क्रॉस ओवर नहीं हो जाता तब तक तो मार्केट में ये मैनिपुलेशन चल सकता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मोमेंटम मई की तरह है वैसा कुछ हमें 4 आवर के चार्ट पे दिख सकता है। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा। आज है ट्यूजडे, क्या हो सकता है और आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट से, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कराया जाता है शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन पूरा उठा पटक किया है पूरे दिन एंड लगभग कल के दिन 43,400 का लेवल जो था बॉटम रीच किया, वही हाईएस्ट हमने रीच कर लिया था $46,895 एंड फाइनली जो क्लोजर था एज एक्सपेक्टेड $44,974 के आसपास हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली जो हमारा 51 EM है उस पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल। आज के दिन जितना नीचे हमने क्लोजर दिखाया उतना ही ऊपर अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, $45,000 से ऊपर की तरफ अभी मूव दिखा रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं क्विकली से। उससे पहले देखेंगे क्रिप्टो का फियर एंड ग्रेड इंडेक्स क्या कहता है। अभी रिसेंटली जो है फियर एंड ग्रेड इंडेक्स काफी ज्यादा अच्छा करेक्शन लिया था मई के डंप के बाद एंड उसके बाद हमने देखा 53 के आसपास से स्ट्रगल करते हुए एंड वापस से रीगेन किया था हमने 70 से लेकर 75 और 80 का लेवल, उसे हमने मेंटेन किया कुछ हफ्ते एंड जाके अब फाइनली वापस से करेक्शन आ गया। और ये करेक्शन उम्मीद थी बट उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेटली आया है। और डेफिनेटली अगर मैं बात करूं कल के दिन, तो कल के दिन हमने 30 तक जो है रीच कर लिया है। तो यानी कि अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो नॉर्मल हो चुका है, यानी बिलो नॉर्मल है इनफैक्ट। एंड प्राइस वाइज देखा जाएगा तो आज से 2 हफ्ते पहले जहां पे प्राइस था कुछ उसी जगह पे, लेकिन सेंटिमेंट वाइज काफी डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले हम बढ़ते हुए जा रहे थे, अभी घटते हुए जा रहे, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा गाइस? यहां पे जब इतनी तेजी से इतना क्लस्टर बना रहा था, यस देयर वाज द रिक्वायरमेंट कि यहां पे हमें एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, बट वो लेवल ज्यादा प्राइस लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो फंडामेंटल या ऑन चेन एनालिसिस कुछ और इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ टेम्प्रेरी है। देखो, मई के मंथ में तो फंडामेंटली भी काफी ज्यादा कुछ चीजें हिली थी, यानी कि ऑन चेन एनालिसिस में भी काफी ज्यादा थोड़ा बहुत सेलिंग ऑफ हुआ था, बट आज की डेट में अगर मैं चार्ट पे देखता हूं ऑन चेन एनालिसिस पे तो वहां पे एक्युमुलेशन ही होता हुआ दिख रहा है हर दिन के साथ जितने बार डिप जा रहा है। और आपको कुछ देर के बाद या कुछ आवर्स के बाद आपको न्यूज में वो चीज सुनने को भी मिलता होगा, बट डेफिनेटली यहां पे जो है हमने 30 के लेवल के रेंज को हम रीटेस्ट करने आ गए हैं और 30 के लेवल को हम इस पूरे वीक क्या टेस्ट करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वापस से रिक्लेम करते हुए देख सकते हैं इसको 50 या 50 के अबव, एंड देन वहां पे जो मोमेंटम स्टार्ट रीगेन होगा वो डिसाइड करेगा कि अगला मोमेंटम जो है ओवरऑल फियर एंड ग्रेड इंडेक्स का एंड प्राइस लेवल का बिटकॉइन का वो क्या हो सकता है। तो फिलहाल जो है मार्केट में जिस करेक्शन की उम्मीद थी वो हो चुका है। एंड जो मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो मई में जो करेक्शन आया था, अगर आप उसको कंपैरिजन करोगे 4 आवर के चार्ट पे यहां से, तो काफी हद तक ग्राफ सिमिलर सा दिख रहा है और कल के भी दिन ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हम मई के कंपैरिजन में हम कहां पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज में आप अगर कंपेयर करते हो तो आपको क्या लगता है आप कहां पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर यहां पे देखा जाए तो 200 EMA लाइन को हमने रिजेक्शन लिया था, उसके बाद लास्ट जो डिप था वो बना लिया और उसके बाद हम साइडवेज लिए थे महीने भर एंड उसके बाद फाइनली अपसाइड चले गए थे। उसके बाद भी एक डिप आया था, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आया था, अचानक से कोई डिप नहीं आया था। यहां पे अगर आप देखा जाए अगर आप देखोगे 4 आवर के चार्ट पे तो आपको सिमिलर सा कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है। कल के दिन वापस से हम रीटेस्ट किए 4 आवर के चार्ट पे, यहाँ पे 200 EMA एंड डिक्लाइन हुए हैं एंड वापस से रीगेन कर रहे हैं, अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं हम 21 EMA के, इसकी बात करेंगे। तो डेफिनेटली जो है इसके कंपैरिजन में आपको क्या लगता है हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें एग्जैक्ट थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए कि हम कितने ड्यूरेशन में रिकवर कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना
है कि इस वीकेंड आते आते सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख जाएगा चार्ट पे, यानी कि वापस से हम 47,000 48,000 के रेंज में जा सकते हैं। बट फिलहाल जो है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड अगर आप वैसे ग्राफ वाइज देखोगे तो ये पहला करेक्शन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। यहाँ पे आप देखोगे ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, काइंड ऑफ कह सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा और जूम करके देखोगे और अगर आप इसको सिग्निफिकेंटली अगर इसको ईएमए लाइन से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे हमने देखा था कि लगभग 200 ईएमए लाइन ने हमें रिजेक्शन दिया था और कल के दिन हमें 200 ईएमए लाइन ने रिजेक्शन दिया। तो क्या हम यहाँ पे हैं? अगर हम यहाँ पे हैं तो अभी और लंबा टाइम ले सकता है, और अगर हम यहाँ पे हैं तो उससे भी ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपका थिंकिंग जाता है, कहाँ पे आपकी विजिबिलिटी लग रही है आपको। मेरे हिसाब से गाइस हम ऑलरेडी जो हैं इस लेवल को रीच कर गए हैं। अब यहाँ पे जो है साइडवेज एक्शन चलेगा आज पूरे दिन। ऐसा अगर मैं देखूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो आपको 1 आवर के चार्ट पे काफ़ी कुछ क्लियर कट देखने को मिलेगा। कल के दिन काफ़ी बड़ा स्पाइक अगेन से मैनिपुलेशन, जो बिटकॉइन में मैनिपुलेशन होता है। लेकिन यार गाइस एक बार पीछे चार्ट को मुड़ के देखोगे ना, कभी भी चार्ट को अगर देखोगे और आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर कुछ करते हो और ट्रेडिंग आपको पता है, तो आपको दिखेगा कि मैनिपुलेशन भी जो होता है वो टीए के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट अचानक से पंप हुआ था, हमें 200 ईएमए लाइन जो था वो हमें रिजेक्शन दे गया, क्लोजर हमने ऊपर बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया, रीटेस्ट करने के लिए फेल हो गया, सिंपल। एंड जहाँ पे मैनिपुलेशन होता है मार्केट तुरंत वहीं पे पहुँच जाता है। अगर कुछ बड़े लेवल पे होता है तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ मीडियम लेवल पे होता है तो कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे लेवल पे होता है तो वो कुछ आवर्स में ही रिकवर कर जाता है। मार्केट यहाँ पे था पंप होने से पहले, ठीक वहाँ से नीचे आ गया, यानी कि अगर आप ग्राफ वाइज देखोगे तो ये अल्टीमेटली डाउनवर्ड मूव ही बनाता रहा, लेकिन एज पर टी ए यस इसको रिजेक्शन मिला। तो जब पीछे मुड़ के देखोगे ना ग्राफ में किसी भी चार्ट के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन आया था या नहीं। बहुत हद तक एज पर टी ए चीज़ें चलती रहती है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन आया था मार्केट में। बट अल्टीमेटली जो अपसाइड मूव यहाँ से बनता था वो हमने वापस से रीगेन किया है बिटकॉइन में। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, हमने सकोष्टिक आरएसआई पे काफ़ी अच्छा खासा जो मूव है पिछले कुछ आवर्स में दिखाया है, 50 अबव हम बन रहे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सस्टेन करने के लिए। अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, अभी 50 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, कल के दिन हमने कई बार 50 से अबव मूव दिखाया लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि 50 से अबव हम जितने देर के लिए सस्टेन करेंगे, चाहे वो डाउनवर्ड मूव दिखे या अपसाइड मूव दिखे, जितने देर हम सस्टेन करते हैं गाइस मार्केट अपसाइड होता है। एंड 50 के बिलो हम जितने देर जो है मूव दिखाते हैं नीचे की तरफ, तो डिप बनाते हैं, हायर की तरफ भी कोई चांस नहीं है कि वो जरूर ही ब्रेक कर जाए। लेकिन एक बार जब ब्रेकआउट हो जाता है कंफर्म, उसके बाद जो मूवमेंट होता है वही अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अभी तक पिछले आवर्स में हमने कई बार देखा है इसको अपसाइड जाते हुए लेकिन रिजेक्शन मिला है। तो क्या इस बार रिजेक्शन से हम बचेंगे? अगर आप देखोगे चार्ट पे तो 51 ईएमए जो हमें हैं करेंटली अभी रेजिस्टेंस दे रहा है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई लेवल पे 50 के अबव हम हैं, अराउंड 52 के अराउंड में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अगले 4 से 8 घंटे सस्टेन कर जाते हैं इसके ऊपर गाइस, मार्केट शाम तक होते होते आपको डेफिनेटली जो है इस लेवल को क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा, जो कि है $45,642। और इंटरेस्टिंग यही होगा क्योंकि हर बार हमें रिजेक्शन दिया इस लाइन ने। पिछले बार आप कह सकते हो कि हमें 200 ईएमए लाइन ने रिजेक्शन दिया, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन था, तो अगर हम इसे कंसीडर ना करें तो ये वापस से रीअटेम्प्ट कर रहा है। फिलहाल अभी हम बाउंड्री लेवल पे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं 21 ईएमए का, 51 ईएमए अगर हमें सपोर्ट देने लगा तो इट विल बी गुड फॉर बिटकॉइन। अदरवाइज अगर हम यहां से रिजेक्ट होते हैं गाइस, तो वापस से एक लोअर लो बना सकते हैं हम। क्या वो मोमेंटम एग्जैक्टली तुरंत आएगा तो ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे करके भी आ सकता है, लेकिन रिजेक्शन पे जरूर नोटिस करते रहना। और जो कल के दिन हमने डिप बनाया, अगर आप 4 आवर के चार्ट पे अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जितना बॉटम हमें बनाना था वो हम बना चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है अगले 8 to 24 आवर के अंदर ही हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम भी हम जब इस लेवल से नीचे गए थे तो यहाँ पे हम कुछ आवर सस्टेन किए थे 4 आवर के चार्ट पे एंड वापस से रीगेन करके नीचे गए थे। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे वैसे तो दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, बट अगर कुछ भी पॉसिबिलिटीज है तो अगले जो है 8 to 24 आवर्स में कंफर्म हो जाएगा। बट याद रखना फिलहाल हम 21 ईएमए जो है हमें 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक रिजेक्शन दे रहा है, एंड एक बार अगर हम 21 ईएमए के ऊपर चले जाते हैं तो यस डेफिनेटली देर इज अ ह्यूज साइन कि हम यहां से रिकवर करने की कोशिश करें। बट स्टिल एक चीज याद रखना, 200 ईएमए लाइन हमें अभी भी रेजिस्टेंस देगा, जैसा कि प्रीवियसली भी दे रखा है, और अभी तक हमने 200 ईएमए लाइन जो है प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया है आफ्टर टेस्टिंग दिस 21 ईएमए। इससे पहले जरूर टेस्ट कर रहे थे, तो जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि हम इसका सपोर्ट ले अगर हमें अपसाइड जाना है जल्दी से, और अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली अभी साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ जारी रहेगा। प्राइस वाइज मैंने आपको बता रखा है कि हो सकता है हम 42,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। आरएसआई की बात करो 4 आवर के चार्ट पे, तो हायर लो क्रिएट करना शुरू हो चुका है एंड ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन प्राइस वाइज आप एक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस लोअर एक्शन दिखा रहा है। दैट मीन्स
कि बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले हम 24 to 48 आवर्स में मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, स्पेशली जब ये हमारा जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो प्ले आउट अभी तक नहीं किया है, एंड डेफिनेटली ब्रेकआउट जब होगा तभी होगा। लेकिन फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई वापस से 50 के अबव का लेवल रीगेन करता हुआ दिख रहा है, जो डंप देखने को मिल रहा था कल तक वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग होगा कि 50 के लेवल के आसपास हमारा आरएसआई कैसे प्ले आउट करता है, वहां पे जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो कैसे प्ले आउट करता है। अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो एक और डंप पॉसिबल है, अदरवाइज गाइस हो सकता है इसके बाद सीधा 21 ईएमए को हम एज ए सपोर्ट बिहेव करें एंड हमें 251 ईएमए भले 4 आवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस दे आने वाले टाइम में भी। तो फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ये बुलिश डाइवर्जेंस जो प्ले आउट नहीं हुआ अभी तक वो कब प्ले आउट होता है। ऑल दो अगर आप वैसे देखोगे तो यस अभी काफी हद तक जो है आप कह सकते हो 44,000 से 45,200 यानी $1,000 का अपसाइड मूव आ चुका है जब से बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट पे कंफर्म हुआ। फिलहाल वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है आपको दिखेगा कि साइडवेज एक्शन जारी है, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे रिवर्सल होता दिखेगा, हो सकता है कुछ ऐसा मूव दिखाया। अगर ऐसा होगा जैसा हमें 16 जुलाई के बाद प्राइस मोमेंटम देखने को मिला था कुछ वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या वैसे एग्जैक्टली प्ले आउट होगा तो कोई जरूरी नहीं है। और जब तक हम 20 के बिलो बने हुए हैं तब तक जो है प्राइस में चॉपी एक्शन बना रहेगा, थोड़ा भी जो है मोमेंटम साइडवेज एक्शन के बीच में अगर आरएसआई डाउन जाता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन जो है आपका नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो सकोस्टिक आरएसआई जब तक 20 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम एग्रेसिव मूव नहीं दिखाएंगे, इस बात को याद रखना। और मेरा मानना है कि अगले 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको 20 के अब जाता हुआ दिख सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। मैकडी में अभी भी फिलहाल चीजें नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की वन डे के चार्ट पे हायर लो जरूर हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही चॉपी एक्शन यानी साइडवेज एक्शन हम रीटेस्ट जरूर करेंगे 50 का लेवल आने वाले दिन में, तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि वहां से कैसे प्ले आउट होता है 50 के लेवल पे। एंड फिलहाल आज के दिन क्या हो सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम अगले 4 to 8 आवर अपसाइड मूव मेंटेन कर लेते हैं तो हमें 21 ईएमए जो 1 आवर के चार्ट पे वो सपोर्ट देगा, और ऐसे हालात में जो प्राइस लेवल है वो डेफिनेटली 45,000 अबव क्लोजर ले सकता है। लेकिन अगर हम कहीं पे भी रिजेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें प्राइस एक्शन नीचे की तरफ क्लोज करता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज ग्लिच आ सकते हैं चार्ट पे थोड़ा बहुत पूरे दिन भर में, लेकिन देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम छोटा कैंडल ही सही लेकिन ग्रीन कैंडल बना सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं डोमिनेंस का, तो इस उठापटक का सीधा सीधा फर्क किसी पे पड़ता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डोमिनेंस चार्ट की, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉपी एक्शन देखें यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट पे। एंड कल के दिन वापस से हम काफी ऊपर चले गए थे 10 ईएमए के ऊपर वनडे के चार्ट पे एंड वापस से फेल हुए, एंड डेफिनेटली जो है क्लोजर हमारा मिला 41.03, वहीं हाईएस्ट 41.72 एज पर वनडे चार्ट चला गया था, बट मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके दिखाऊंगा तो पीक जो गया था वो गया था 41.52 के राउंड में चला गया था, एंड डेफिनेटली स्ट्रगल किया है। अभी फिलहाल हम लॉन्ग का पोजीशन वापस से प्रिंट आउट कर चुके हैं, और ये मोमेंटम क्यों हुआ, बिटकॉइन चाहे अपसाइड जाए चाहे डाउनसाइड जाए अगर कोई क्विक मोमेंटम दिखाता है तो वो शिफ्ट जरूर डोमिनेंस चार्ट पे पड़ता है, और वो पड़ा। फिलहाल जिस बात की मैं इशारा कर रहा था कल के दिन वो ऐसा ही कुछ प्ले आउट होता हुआ दिखा, एंड अल्टीमेटली जो है हम कुछ उम्मीद से ज्यादा, मैंने उम्मीद किया था कि लगभग 41.25 तक जा सकता है, लेकिन उससे भी ऊपर काफी ज्यादा चला गया। एंड डेफिनेटली अब जो है हम वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं सपोर्ट लेवल, तो इंटरेस्टिंग होगा अगले 4 घंटे में 8 घंटे में ये क्या बॉन्स दिखाता है। अगर बॉन्स दिखाता है तो और ज्यादा डोमिनेंस चार्ट पे जो है चीजें खराब होंगी ऑल्टकॉइन को लेके, लेकिन ओवरऑल मार्केट को जाना क्या है। अगर आप देखोगे सकोष्टिक आरएसआई तो अभी डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यस अभी अपसाइड मूव आ सकता है, लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो चीजें जो है वापस से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो क्या ऐसा कुछ एक्शन होगा या फिर डायरेक्ट ये डाउन होगा। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम अगले जो है लगभग 8 to 12 आवर में हम अगर इस लाइन को ब्रेक करते हैं नीचे क्लोज करते हैं 40.97 के अराउंड में या फिर उसके नीचे क्लोज करते हैं 4 आवर के चार्ट पे, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जो मैं बार बार बोल रहा था कि अगला 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसा कुछ प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है और ये स्ट्रेच होता हुआ आपको हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर तक दिखे, एंड उसके बाद जो है चीजें धीरे धीरे जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली वापस से जो है हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं और इसी को मेंटेन करते हुए वापस से नीचे जाएंगे, एंड दिस टाइम प्रोबेबली वी विल ब्रेक द 40 लेवल जिस पे फिलहाल जो है कह सकते हो थोड़ा सा मोमेंटम वाइज इंतजार करना पड़ रहा है। वन डे के चार्ट पे चीजें अगर देखी जाए तो यस सकोष्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज द बैड साइन। ऑल दो अगर देखा जाए सकोष्टिक आरएसआई ऑलरेडी 50 के लेवल पे रीच हो चुका है, सकोष्टिक आरएसआई बहुत तेजी से अपसाइड गया है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल वैसे देखूं तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, मात्र हमने 10 ईएमए रीटेस्ट किया है, फिलहाल हम 32 के लेवल के आसपास चल रहे हैं। लेट्स सी कल के क्लोजर जो है, कल का क्लोजर डेफिनेटली लोअर हाई बनाया,
दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इस हिसाब से चीजें अगर चला तो डेफिनेटली नीचे की तरफ हमें क्लोजर देखना चाहिए, आज का मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाते हैं कहीं पे भी क्लोजर बनाते हैं तो वो थोड़ा बहुत और डिफिकल्टीज दे सकता है ऑल्टकॉइन को आने वाले लगभग नेक्स्ट 24 to 48 आवर के लिए। बट याद रखना ये जो चॉपी एक्शन है इसमें आपको यस 20 अबव चले गए हैं, थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन भी थोड़ा बहुत जो है डोमिनेंस चार्ट को बढ़ा सकता है, लेकिन हमें रिजेक्शन दो जगह पे मिल सकता है, करेंट लेवल पे टाइम स्पेंड करने के बाद रिवर्सल मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि हम यहाँ से अपसाइड मूव दिखाएं जैसा हमने कल के दिन दिखाया और इसी को मेंटेन करें, लेकिन एज पर जो आपका TA है, जो प्राइस एक्शन है यानी कि जो लेवल है उस पे ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े और हम 41 की रेंज में जहाँ पे हैं ग्रीन कैंडल वैसा ही कुछ बनाएं, लगभग 41.35 के आसपास बनाएं, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। एंड अदरवाइज साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा चाहे ग्रीन हो या फिर रेड हो, हम इसी जोन में टेस्ट करते रहेंगे अगला जो है 48 आवर भी। एंड डेफिनेटली जो अल्टीमेटली आपको वीकली चार्ट पे अभी चीजें ग्रीन दिख रहा होगा, बट टेंशन ना लो जी, ये सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखेगा आपको कुछ ही टाइम में, क्योंकि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको जरूर पैनिकनेस होगा, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको काफी हद तक चीजें नॉर्मल होते हुए दिखेगी। जस्ट आप 48 आवर्स जो है, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि नेक्स्ट जो 48 to 72 आवर है वो बहुत क्रिटिकल हो सकता है बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन के लिए, तो वो अभी प्ले आउट हो रहा है, तो डर तो लगेगा थोड़ा बहुत, बट अगर आपको फेथ है TA पे, अगर आपको फेथ है हिस्ट्री पे, अगर आपको फेथ है फंडामेंटल पे, तो आपको डरना नहीं है, आपको वेट करना है एंड इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, मैं बार बार बोलता हूँ। और लास्ट अटेम्प्ट होने से पहले ना थोड़ा बहुत तो बनता है बॉस, तो वो अभी पैनिकनेस बना रहे हैं मार्केट में, इट इज ओके टू हैव दैट पैनिकनेस, क्योंकि मार्केट सबको मौका देता है लेकिन सब उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, ये याद रखना। अल्टीमेटली बुल रन सबके लिए सेम ही प्राइस एक्शन दिखाएगा, लेकिन कोई बनाएगा प्रॉफिट कोई करेगा लॉस। अब लास्ट में एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, वो है हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो गोल्डन क्रॉस ओवर क्या अभी हो चुका, तो क्रॉस ओवर तब मैं कहूंगा जब लाइन क्रॉस कर जाएगा, और लाइन ऑन दिस चार्ट जिस हिसाब से चीजें चल रहा है 16 सितंबर को होता हुआ दिख रहा है, कल के दिन भी जिस हिसाब से प्राइस चॉपी हो गया है उसकी वजह से ये एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 15 सितंबर को डेफिनेटली मुझे दिख रहा है बिल्कुल ऑन द स्पॉट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि सेकंड वीक ऑनवर्ड जो है आपका गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा वो बन गया, मैंने आपको कहा था कि गोल्डन क्रॉस बनेगा तो वहां पे मार्केट मैनिपुलेट होगा, वो हो गया। अभी ये क्या रिवर्सल आएगा या फिर कई लोगों के हिसाब से ये फेक आउट था, अभी ये वापस से डंप होगा, तो वो तो वक्त बता देगा आप लोगों को आंसर, बट मेरे हिसाब से जो है वो अभी काफी लंबा जर्नी बाकी है एंड जल्दी आपको क्रॉसओवर कंफर्म होता हुआ दिखेगा 16 सितंबर ऑनवर्ड, तो अभी भी इंतजार रहेगा इस क्रॉसओवर का, जब तक क्रॉसओवर नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मत सोचना कि क्रॉसओवर होने के ठीक दो दिन बाद मार्केट बिल्कुल ही बुल मोड पे वापस से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस, क्रॉसओवर अभी होने वाला है कल, और हमें चॉपी एक्शन दिखा पिछले एक हफ्ते से, बैक टू बैक देख रहे हैं हम कि प्राइस में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो यही चीज होता है मार्केट में और ऐसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है, अब ये हो जाने के लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट में रिवर्सल बनता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी को समझोगे डर नहीं लगेगा। अब मैंने बोला है 16 तो इसका मतलब ये नहीं है 16 क्रॉस करते ही 17 को आसमान चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस, होने के लिए हो सकता है बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चीजें सेंटिमेंट वाइज चलती है और सेंटिमेंट बिल्कुल निगेटिव जैसे होता है तो उसको पॉजिटिव होने में टाइम लगता है कई बार, ऑल दो मैनिपुलेशन जारी है। कल के दिन क्या कुछ ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिला, अगर मैं कंपैरिजन करूं वनडे के चार्ट पे तो कुछ खास नहीं, नॉर्मल जो मैं कहूंगा वीक डेज में जितना वॉल्यूम होता उतना ही हुआ, यानी कितना डंप होने के बाद भी मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया एंड अल्टीमेटली हमने ऊपर की तरफ तेल जो है बनाया, तो डेफिनेटली जो ये अच्छा मूव कहा जाएगा बिटकॉइन का इवन दो जब हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं गाइस इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे आपको देखने को मिला कल के दिन वापस से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ, हैमर कैंडल प्रिंट हुआ है एग्जैक्टली, तो ये कैसे प्ले आउट करता है लेट्स सी, आज के दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा स्पेशली यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ रिवर्सल एक्सपेक्टेड है लेकिन 20 के जब तक नहीं जाता तब तक हमें थोड़ा बहुत जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, और फिलहाल RSI जो है 50 से अब बना हुआ है, तो अभी मेरे हिसाब से इथेरियम BTC चार्ट पे साइडवेज एक्शन मेंटेन किया हुआ है और ये मेंटेन रहेगा, और डेफिनेटली जैसे हमें ये 20 के अबव मोमेंटम दिखाएगा वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में रिवर्सल बहुत तेजी से इथेरियम के। एंड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इथेरियम BTC चार्ट पे इस साल का न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा, वो आपको जल्द होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल अभी भी डोमिनेंस चार्ट पे जैसे चीजें प्ले आउट होगी वैसे ही ये करेगा, तो अगला दो दिन
थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे सेम प्राइस एक्शन ऊपर नीचे उठा पटक होता रहा बिटकॉइन की तरह, एंड अल्टीमेटली रेड कैंडल हमने क्लोज किया लगभग 3.5% से ऊपर, क्लोजर मिला 3200, हाईएस्ट चले गए थे हम $3476। आज के दिन जैसे बिटकॉइन मूव दिखा रहा है वैसा ही कुछ इथेरियम यूएसडी चार्ट पे मूव दिखा रहा है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा क्या हम मोमेंटम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें मिलने ही वाला है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन भी मिले जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, अभी भी एक दो दिन का इंतजार और डेफिनेटली यूएसडी चार्ट पे भी ये चीजें सेम है जैसे बीटीसी चार्ट पे है। इथेरियम के 47 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला है एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब ये नीचे गया था तो मैंने आपको कहा था इस रेंज में हमें सपोर्ट मिलेगा, कुछ वैसा ही चॉपी एक्शन चल रहा है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसी लेवल को रीटेस्ट करते हुए धीरे धीरे, सबसे इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले 21 EMA को ऊपर क्लोजर लेना एंड एज ए सपोर्ट काम करना, एक बार वो कर लिया तो फिर अपसाइड मूव शुरू, अदरवाइज चॉपी एक्शन और डाउनवर्ड मूव मेंटेन रहेगा आने वाले कुछ और दिनों तक, स्पेशली डॉलर के चार्ट पे। लेकिन याद रखना डॉलर का चार्ट डायरेक्ट इंपैक्टेड होता है बिटकॉइन के प्राइस से और इथेरियम के बीटीसी के चार्ट से, तो इन दोनों पे नजर रखना होगा तभी जाके आप एग्जैक्ट लेवल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहां तक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ओवरऑल जिस करेक्शन की बात मैंने इस वीक के लिए कहा था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ट्यूजडे है, अगला जो नेक्स्ट 24 आवर टू 48 आवर कह लो अभी भी थोड़ा सा डेंजर जोन में चल रहा है, तो नजर बना के रखूंगा। अगर कोई भी अपडेट होगा इस सबके ऊपर तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दूंगा। तो गाइज अगर अभी तक आपने टेलीग्राम या ट्विटर फॉलो नहीं किया तो जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।